हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड तेजस्वी प्रकाश जो जा रही हैं बिग बॉस में। तेजस्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, थैंक यू। या सो इसको अगेन वापस कर लेते हैं। हेलो वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत टैलेंटेड और खूबसूरत तेजस्वी प्रकाश जो जा रही हैं बिग बॉस हाउस में। आइए जानते हैं कि कैसी है तैयारी, क्या कहती हैं तेजस्वी आप। बस चल रही है तैयारियां। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम बहुत ही बढ़िया हैं। मतलब खतरों के खिलाड़ी करके आपका मेंटल स्ट्रेंथ तो निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़ा होगा, इसलिए एक एक से दूसरी जगह जाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली दोनों ही शो एक दूसरे से बहुत अलग है। खतरों के खिलाड़ी में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आप लाइफ में कहीं नहीं अदरवाइज एक्सपीरियंस कर पाओगे, और अदर देन दैट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, तो यू आर विजिटिंग अ डिफरेंट कंट्री, यू आर ट्रैवलिंग, यू स्टिल टॉकिंग टू योर फैमिली ऑन द फोन, सो इट प्रीटी मच फील्स लाइक अ नाइस वेकेशन। पर रही बात बिग बॉस की, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट ऑपोजिट शो है, तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस बिग बॉस में कैसे मतलब हेल्प करेगा। मेंटल स्ट्रेंथ तो निश्चित तौर पर देता ही है वो, कि कैसी ऐसी चीजों से आपको जूझना होता है जो आपने जीवन में नहीं की होती है। राइट, एब्सोल्युटली, हाँ उस तरह से शायद। हाँ यहाँ पर जो है बिग बॉस हाउस जो है फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, चीख चिल्लाहट, प्यार मोहब्बत सबसे भरपूर है, तो उसके लिए जी मेंटली प्रिपेयर हैं आप। हाँ, अब करने की ठान ली है तो अब अच्छे से ही करेंगे, रेडी रहेंगे। So, किस तरह की प्रिपरेशन है, क्या क्या दिमाग में है, किस तरह का प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी किया है? स्ट्रेटजी तो इस शो में करके कोई फायदा है नहीं। आई डोंट रियली नो कि बाकी कंटेस्टेंट्स एक्चुअली स्ट्रेटजी करते हैं कि क्या करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, पर आई डोंट रियली थिंक कि मतलब ये शो स्ट्रेटजी वाला है। घर में मैं किसी को जानती हूँ नहीं, मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, तो कोई कौन कैसे रिएक्ट करेगा हमें पता नहीं, तो स्ट्रेटजी चाह के भी कैसे बनाए, मतलब फायदा ही नहीं है। तो कोई स्ट्रेटजी है नहीं, बस आई एम जस्ट गोइंग टू बी माई सेल्फ, और लोगों को देखने में अच्छा लगना चाहिए ताकि वो आपको वोट करे, एंटरटेनिंग लगे, तो प्रीटी मच दैट। अदरवाइज क्या ही स्ट्रेटजीज। तेजस्वी, जैसा हमने आपको देखा है सीरियल में, आप बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी के किरदारों में रही हैं, और आप मूलतः कैसी हैं, किस तरह की है तेजस्वी? अच्छी हूँ मैं, मतलब नहीं, मतलब आप बिग शो बॉस के में पॉइंट देख ऑफ व्यू लोगे। से मैं हाँ, बात कर रहा हूं तो आई थिंक आई एम प्रिटी मतलब अ लॉट ऑफ फन टू वॉच एंड टॉक एंड गेट टू नो, आई थिंक सो। तो आप जैसे मुझे बेहतर जानने लगेंगे, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि उतना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। तो अब मैं जितनी कोशिश हो सके उतनी अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखती हूँ प्रोफेशनल से, पर अब आप मुझे पर्सनली जानने लगोगे तो ऑफ कोर्स आई थिंक सब पसंद ही करेंगे। अब कैसी हूँ मैं ये तो आप खुद ही देख लेंगे, मैं कैसे बताऊँ। मतलब जो अंदर लड़ाई झगड़ा होना है उसमें वो पार्टिसिपेशन आपका रहेगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही भले भले से उसमें देखा है, इसलिए हम कोई जजमेंट अभी वैसे नहीं ले सकते। जिस तरह के झगड़े हम नहीं मतलब आपको अगर स्टैंड लेना जरूरी होता है नहीं अपनी होगा, चीजों के लिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मतलब जरूरी नहीं होगा तो फिर तो कोई मैं किसी के दूसरों की चीजों में टांग अड़ाने से मतलब तो है नहीं। पर ऑफ कोर्स अगर बात मेरी चल रही है, समथिंग दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन, समथिंग दैट नीड्स माय ओपिनियन, तो व्हाई नॉट, मैं
आई डोंट शाय अवे फ्रॉम गिविंग माय ओपिनियन, वैसे बोल रही हूँ. मतलब ऑफ कोर्स लाइक इफ एक फाइट में मेरी जरूरत है तो व्हाई नॉट. मेंटली प्रिपेयर है ना कि झगड़े में अगर जरूरत पड़ेगी तो तलवार लेके कूद पड़ेंगे. कोई भी करेगा ना. मतलब अगर ऑफ कोर्स आपका झगड़ा चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो आप बोलोगे ही. तो वैसे मैं भी वही बोलूंगी, आप और मैं कुछ ऐसे अलग लोग तो है नहीं. मतलब जो है, मतलब मैं जैसी हूँ और जैसे रिएक्ट करती हूँ अगर मैं घर के बाहर हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करूंगी जब मैं घर के अंदर हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली अनदर पर्सन टू बी विजिबल, यू नो. मतलब बिग बॉस हाउस में आप, मतलब आप एक्टर हैं वो निश्चित तौर पर आप आपके हैं, लेकिन बिग बॉस हाउस में एक अच्छी मावशी होने की जरूरत होती है, एक अच्छा रामू होने की जरूरत होती है. तो किस तरह के काम और आप पार्टिसिपेट करेंगी? झाड़ू पोछा, सफाई, खाना, कौन सा काम? घर के काम तो मैं, हाँ मतलब घर के काम तो मैं सारे ही कर लेती हूँ. तो बस अपना अपना घर समझ के रहना है, सिर्फ तभी ही रह पाएंगे, यू नो. तो घर पे जितने भी काम होंगे वो तो सारे ही मैं कर लेती हूँ और मैं उस घर में भी कर ही लूंगी. तो ऐसी कोई ऐसा ड्यूटी नहीं होगी जिससे मुझे प्रॉब्लम हो. चलिए बढ़िया है. तो चलते चलते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपको देखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं? अलग अंदाज में मतलब हाँ, ज्यादा ज्यादा आई थिंक क्लियरली और ज्यादा गहराई से देख पाएंगे. अलग तो मतलब जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वैसे ही हूँ, मतलब अपने नॉर्मल इंटरव्यूज में भी और अपने नॉर्मल शोज में भी, या बी एट मेरे इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी. तो आई थिंक बस ज्यादा डीपली जानने लग जाएंगे. तो आई थिंक एंड आई होप कि आप जितना मुझे ज्यादा अच्छे से जाने उतना आपको मैं अच्छी लगूं, और आप मुझे सेव करें, मेरे लिए वोट करें और वैसे ही प्यार करते रहे जैसे आप करते आए. ये मेरा मैसेज है मेरे फैंस के लिए. थैंक यू तेजस. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. आई रियली नीड इट. थैंक यू सो मच.